देयर आर टोटल 11 चैप्टर्स इन योर ग्रेड, मतलब टोटल 11 चैप्टर है तुम्हारे ग्रेड 12 में, जिसमें से 4 हमने कर लिए हैं कंप्लीट. ठीक है, तो आज अपना क्या है, डीएनएफ ब्लॉक 5th चैप्टर रहेगा, इसको स्टार्ट करते हैं. अगेन ये चैप्टर लेगा बेटा 6 लेक्चर लेगा ये चैप्टर, एंड अच्छे से करेंगे. ये चैप्टर ऐसा होता है, और देखो इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर होते हैं ना, उसमें बोलते हैं ना श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो सोचे होते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, समझ लो, मतलब जो पढ़ा हुआ है ना उसी में से ही आता है. ऐसा कुछ भी नहीं है कोई स्टेटमेंट की कुछ बदल के आ जाए, नहीं, जो पढ़ा है जो क्वेश्चन किए हैं उसी में से ही क्या आता है मेरा बेटा, पेपर में भी आता है. ठीक है, तो इसलिए बच्चों का इनऑर्गेनिक में स्कोर क्या आता है, अच्छा आता है. अब इसके लिए बेटा तुम्हें करना क्या है, इसके लिए तुम्हें करना क्या है, ध्यान से सुन लो. पहली चीज इसके लिए तुम्हें करनी है मेरा बेटा एनसीईआरटी. क्या करनी है, एनसीईआरटी. मतलब इनऑर्गेनिक के केस में अगर तुम एनसीईआरटी नहीं कर रहे हो ना, तो मतलब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो. एनसीईआरटी एक बार मैं ये चैप्टर पढ़ा दूं, उसके बाद लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी इसकी पढ़ लेना, ठीक है. प्लस एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, गुड इवनिंग अपेक्षा, प्लस बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, प्लस मॉड्यूल. इस चैप्टर का तुम मॉड्यूल उठाओगे, आज मैं रात तक अपलोड कर दूंगी, यानी तो कल मॉर्निंग तक, क्योंकि तुम भी इसके बाद तो सो ही जाओगे, आई नो दैट. मॉड्यूल इस चैप्टर का करोगे, क्योंकि जितने तुम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे ना इनऑर्गेनिक में, उतने तुम्हारे 8 नंबर पक्का हो जाएंगे 2025 में. रही बात पीवाईक्यूज की, तो वो मैं करवाऊंगी, क्लास में ही करवा दूंगी वैसे तो, और जो बचेंगे आपको पता ही है, मैं रिवीजन क्लास में करवा देती. क्लियर होगी ये वाली बातें? यस मैम. मैं इस पे जोर देके बोल रही हूँ, एनसीईआरटी इंडेक्स बैक एक्सरसाइज मॉड्यूल, क्योंकि इस बार एनसीईआरटी से ही तो क्वेश्चन आया था, 1-4 नंबर का. दिखाऊंगी वो कौन सा क्वेश्चन था. ठीक है मेरा बेटा, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम हाँ एफ ब्लॉक हम नहीं पढ़ेंगे. चैप्टर का नाम डीएनएफ ब्लॉक है, बट एफ ब्लॉक हम 5वें दिन पढ़ेंगे, 4 दिन हमें डी ब्लॉक को देने हैं. गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, उसके बाद हम क्या, आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सिंपल, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये बहुत ही बेसिक चीजें आज हमें कवर करनी है. और इन बेसिक चीजों पे भी क्या है, क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन क्लास में दूंगी, कुछ क्वेश्चंस आपको घर के लिए दूंगी. तो बेसिकली इन पूरे 3 पार्ट में आपका क्या है, डी ब्लॉक सम अप हो जाता है. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, आयनिक साइज, आज मैं आपको पहले पार्ट से स्टार्ट करवाऊंगी. ठीक है, और धीरे धीरे करके फाइनली अपन इस पे पहुंच जाएंगे. यानी कि बेसिकली आज हमें क्या करना है, पोजीशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कुछ प्रॉपर्टीज वाला पार्ट हम स्टार्ट कर देंगे. ठीक, चलो. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इसका वेटेज, मेरा बेटा ध्यान से सुनना सारे बच्चे. शिव नहीं आया क्या? शिव नहीं आया. प्रखर आ गया? प्रखर yes, आ गया. ओके तो अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं, तो 2024 में बेटा इसकी जो तवज्जो है, इसको जो तवज्जो दिया एनटीए वालों ने, देख सकते हो कितना इम्पोर्टेंस दिया है इस चैप्टर को. जहां पहले 1 या 2 ही क्वेश्चन आए करते थे, 2024 में 3 क्वेश्चन आ गए हैं. क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, बहुत इनऑर्गेनिक से डिलीट ही कर दिए. आपका हाइड्रोजन चैप्टर, आपका एस ब्लॉक चैप्टर डिलीट ही तो हो गया ना, पी ब्लॉक तो ऑलमोस्ट खत्म है. इसलिए उन्होंने क्या किया, डी एंड एफ ब्लॉक का वेटेज प्लस तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का वेटेज बढ़ा दिया. दोनों में से 3-3 क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं, यानी कि ये तुम्हारे लिए एडवांटेज है, क्योंकि जो पढ़ोगे वही पेपर में आएगा. दैट्स इट, मैंने बोल दिया मतलब आएगा.
ठीक है, तो यानी कि तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ ध्यान से समझना है। इतना सा भी डाउट क्लास में आता है तो क्लास में ही पूछोगे, ठीक है, क्योंकि बेटा कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जहां से हम इजिली स्कोर कर सकते हैं, एंड डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स उसी चैप्टर में से एक है। नो डाउट इसमें भी लर्न करने का होगा, नो डाउट इसमें भी होगा, बट इतना नहीं होगा जितना तुमने पी ब्लॉक में रट्टे मारे, ठीक है। तो आई होप तुम्हें इसका वेटेज पता चल गया होगा। अब आते हैं हम आगे। तो सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगी, तुम्हें ये बनाना नहीं है, पहली बात तो ये तुम्हें ये बनाना नहीं है। अगर तुम इसके नोट्स बनाना चाहते हो बना सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स। अगर नहीं बनाना चाहते तो कृपया करके एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेना, बट मैं चाहूंगी नोट्स बनाओ, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ अलग से पॉइंट्स भी लिखवाऊंगी जो एनसीईआरटी एक्सप्लेन नहीं करता, सिर्फ लिख के छोड़ देता है। अपने को उसको पकड़ के आना है, मतलब अपने को क्या करना है ना, एनसीईआरटी खोद के लानी है कि एक एक लाइन को पकड़ के क्या क्या क्वेश्चन वो बना सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक्स की। तो सबको पता है ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये पी ब्लॉक के होते हैं। पी ब्लॉक हमने कर लिया, एस ब्लॉक तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। नाउ आज हम पहुंच चुके हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। गिरिजा आ गई है बेटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इधर देखो, जो आपके ग्रुप 3 से लेकर 12 तक होते हैं वो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। कैन यू सी दैट, 3 से 12 आपके क्या होते हैं मेरा बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। मतलब ग्रुप 3 to ग्रुप 12 में क्या होते हैं तुम्हारे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। मैं याद भी करवाऊंगी, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिखाऊंगी, सब सिखाऊंगी। बस आज मेरे साथ 10:15 तक बैठे रहे, ठीक है। अच्छा, और तुम्हें क्या दिख रहा है बेटा, डी ब्लॉक को क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि एस और पी ब्लॉक के बीच में है ये, है ना। एस और जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है वो एस और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं, इसलिए इनको बोला ट्रांजिशन। ट्रांजिशन होते हुए जा रहा है ना, एस ब्लॉक से फिर डी ब्लॉक फिर पी ब्लॉक, इसलिए इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। कौन कौन ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं बताऊंगी धीरे धीरे, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ठीक है जी। अच्छा, और क्या दिख रहा है तुम्हें, नजर मारो। अगर मैं बात करूं आपको बेटा, सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का नाम पता होना चाहिए। इधर आ जाओ, सबसे पहले मैं बात करती हूँ बेटा, 4 सीरीज है आपकी डी ब्लॉक की, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें आता है, N-1 डी सबशेल में आता है। लिख लो कहां लिख के दूं, मैं यहां लिख देती हूं, यहां पे लिखो एलिमेंट्स, तुम तो कहीं भी लिख लो, मेरे पास जहां स्पेस है मैं वहां लिख लू, क्योंकि इसके नीचे मुझे लिखना है एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू N-1 डी सबशेल। इसको क्या बोलते हैं हम, इसलिए बोलते हैं इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे एस ब्लॉक में हम क्या कहते थे, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एस वाले सबशेल में। पी में हम क्या बोलते थे, याद करो, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो रहा था, पी वाले सबशेल में। तो डी वाले पी वाले में सबशेल में होगा, ठीक है। और वो कौन सा होगा, N-1। मैम वाई N-1, धीरे धीरे धीमे धीमे होले होले पता चल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, चार सीरीज है। कौन कौन सी, 3D सीरीज में कौन कौन आता है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। 3D सीरीज में क्या आता है मेरा बेटा, यहाँ पे लिखो, क्योंकि जब तक तुम लिखोगे नहीं रिवाइज नहीं होगा। 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जो सीरीज होती है उसको 3D सीरीज बोलते हैं। 4D सीरीज कौन सी होती है मेरी बेटा, यट्रियम से स्टार्ट होती है, कैडमियम पे खत्म होती है। 5D सीरीज देखो, लेंथनम से शुरू होती है और मरकरी पे खत्म होती है। और 6D सीरीज जो होती है वो एक्टिनियम से शुरू होती है और कोपरनिशियम पे खत्म होती है। मैम ये पूछेंगे क्या, ना नहीं पूछेंगे, लेकिन पता होनी चाहिए। स्कैंडियम से जिंक 3D सीरीज, यट्रियम से कैडमियम 4D सीरीज, लेंथनम से मरकरी 5D सीरीज, एक्टिनियम से कोपरनिशियम 6D सीरीज। एंड मैं
आप लोगों से वादा कर रही हूँ कि क्लास में ही याद करवा के भेजूंगी, ताकि तुम अगर कोई तुम्हें केमिस्ट्री का बैकलॉग करना है, लाइक 11th के चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो तुम उसको कर सकते हो। कम मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, 1 महीना तुम्हारे पास एडवांटेज है, बट तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो फिर प्लीज फिर DNF लो करो, ठीक है? चलो, गुड इवनिंग दीपिका। इतना क्लियर हो गया मेरा बेटा? यस मैम, यस मैम, ठीक है, ओके। अब क्या होता है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। लिखो, हेडिंग डालो, जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में तुम लिखोगे। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है बेटा? N-1, T 1 to 10, और यहाँ पे लिखो 0 की जगह 1 to 2। अभी समझाती हूँ ये है क्या। और यहाँ पे लिखो एक्सेप्ट पैलेडियम। अरे भाई, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, याद करो जब मैं तुम्हें पी ब्लॉक पढ़ा रही थी, याद है ग्रुप 15 की मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, NH25, ग्रुप 16 की बताई थी NH2NP6। उसका मतलब क्या था कि S में 2 ऑर्बिटल है, सॉरी S में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं और P में 6 है। जो पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो है N-1 D 1 to 10। यानी कि डी में जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 से 10 के बीच में फिल हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि डी के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? यस मैम, यस मैम। उसके बाद वो बोल रहा है कि एस में या तो 1 आएगा या 2 आएंगे, क्योंकि आपको पता मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस में या तो होगा नहीं, होगा तो मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, या तो नहीं होगा या तो 1 होगा या मैक्सिमम 2, क्योंकि s ऑर्बिटल 1 ही होती है ना। यस मैम, 1 ऑर्बिटल होती है और 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, ठीक है? तो यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप देखोगे मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, इवन मैं कहूंगी लगभग सारे एलिमेंट्स में, या तो डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और s में 1 होगा, नहीं तो 2 होंगे, एक्सेप्ट पैलेडियम। क्योंकि जो पैलेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना मेरा बेटा, वो क्या होती है, 4d10 होती है, एस में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, देख पा रहे हो मेरा बेटा? Yes. एस में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पे ना इनमें थोड़ी थोड़ी गड़बड़ की हुई है, तो आप अपनी बुक से रेफर करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं भी हालांकि सिखाऊंगी आपको, बट इसमें देखो 5s1 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? तो ये थोड़ा गड़बड़ की हुई है, तो कोई बात नहीं, अपनी बुक से रेफर कर लेना, ठीक है? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे नीट पे एक बार सवाल आया था, कर लोगे? Yes. चलो, अब उसके बाद क्या है मेरा बेटा, उसके बाद मैं तुम्हें सिखाती हूँ याद कैसे करोगे। इधर आओ, याद कैसे करोगे, इधर आओ। सबसे पहले हम याद करते हैं 21 टू 30 एलिमेंट्स, अगर किसी को याद है तो हैंड रेज करो। 21 टू 30 किस किस को बच्चों को याद है, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। वैसे तो होने चाहिए कायदे से, बट कोई बात नहीं, मैं मान के चल रही हूँ नहीं भी है तो मैं करा देती, मतलब लगभग 6-7 बच्चों को याद है। अब ध्यान से सुनो, क्या होता है, स्कैंडियम होता है, मैं भी याद कराती हूँ, स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, बोलो बोलो साथ साथ अगर जिसको पता है, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, कॉपर होता है, कैसे याद करोगे? आ जाओ, स्कैंडियम मैंने शायद करवाया भी था, देखो मुझे याद नहीं है, स्कैंडियम, तेरी विदाई, तेरी विदाई करके, करके को ऐसे लिखना, करके मैं फ्री हो गया, मैं फ्री हो गया, उसके बाद मैंने मैंने निक्कर कुर्ता, कुर्ता को मैं देखो ऐसे लिख रही हूँ, जींस पहन ली, जींस को मैं ऐसे लिख रही हूँ, जींस पहन ली, ठीक है? स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, उसके बाद मैंने निक्कर कुर्ता जींस पहन ली।
अब स्कैंडियम मतलब स्कैंडियम ही होगा, स्कैंडियम। टेरी मतलब टाइटेनियम होगा, विदाई मतलब वेनेडियम होगा। करके यानी कि नाम भी पता होने चाहिए, ऐसा नहीं सिंबल याद करके बैठ गए, नहीं भाई नाम भी पता होने चाहिए और सिंबल तो होने ही चाहिए। करके यानी कि क्रोमियम, में मतलब मैग्नीज, मतलब आयरन। अब यहाँ पे देखो लिखा है मैंने हो गया, इसको आप हो को क्या समझोगे, कोबाल्ट सी। कोबाल्ट सी कैपिटल होता है, ओ छोटा होता है, स्मॉल होता है। उसके बाद मैंने ये छोड़ दो, निक्कर यानी कि निकल, कुर्ता यानी कॉपर, जींस यानी कि जेड। तो ये तुम्हारा है मेरा बेटा 21 से 30, 21 से 30, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ध्यान रखोगे, स्कैंडियम होता है 21, कैसे लिखोगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2s2p6 3s2 3p6, पहले 4s फिल होता है, फिर होगा कितना 3d1। और अगर आप चीज नोटिस कर रहे हो यहाँ तक तो 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो आर्गन का है, आया ना? यस मैम। बेटा देख लो मैं बता रही हूँ, आर्गन का है, यस 4s2 3d1। तो आर्गन को आप ऐसे लिख लो, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 18 4s2 3d1। सब में आर्गन नहीं लिख रही हूँ मैं, टाइटेनियम की क्या हो जाएगी 4s2 3d2, वेनेडियम की हो जाएगी 4s2 3d3। इसकी क्या हो जाएगी, इस पे सर्कल मारो, इसमें एक्सेप्शन थी याद करो, वो थी 4s1 3d5। यस 4s1 3d5। क्या ऐसा होता है बेटा जिसकी वजह से s का एक इलेक्ट्रॉन d में शिफ्ट मार जाता है, एक्स्ट्रा स्टेबल है 3d5, इस वजह से s से एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के चला जाता है। रीजन क्या होता है इसका, क्योंकि बेटा जो n-1 d सब शेल होता है, ठीक है, और जो तुम्हारा ns वाला सब शेल होता है, इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या है, कम है। एनर्जी गैप क्या है, कम है, जिसकी वजह से इजिली क्या हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है, क्या हो सकता है, इजिली एक्साइट हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं मैग्नीज में क्या होगा, 4s2 3d5, 4s2 3d6 आयरन में होगा। बेटा लिख लो अपने हाथ में, ये मेरी प्रैक्टिस ना करवाओ, तुम भी लिखो अपने नोटबुक में, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेंगी चीजें क्या हो रही है क्या नहीं। 4s2 3d7, 4s2 3d8। अब कॉपर में भी क्या थी, एक्सेप्शन थी, एक मिनट रुको, 4s1 3d10। यस 4s1 3d10। सिंक में क्या होगा, 4s2 3d10। तो ये तुम्हारी है 21 से 30 के नाम प्लस उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैम क्या बाकी एलिमेंट्स की नहीं करनी, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं करनी है, बाकी की अपने आप हो जाएंगे, अभी दिखाती हूँ कैसे। पहले ये बताओ ये याद हो गया क्या? मैं सबको 30 सेकंड दे रही हूँ, जल्दी से अपने नोटबुक में 21 से 30 तक के नाम उसके साथ उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और 30 सेकंड दे रही हूँ और मुझे थम्स अप करो, फिर मैं आगे चल। अपेक्षा तुम कुछ कह रही थी बेटा? नो मैम। अच्छा ठीक है, लिखो एक बार जल्दी। प्रखर, नम्रता, अंकिता, काजल, चांदनी, हो गया। चलो अब हम देखो बाकी के भी याद कर लेते हैं, इधर आओ। बाकी के कैसे याद करोगे, तुम्हें ट्रिक बता दे, तो ट्रिक तो क्या ही है, जो जो मैंने अपने टाइम में याद की थी वो,
देखो स्कैंडियम यट्रियम और लेंथनम की कोई ट्रिक मैंने याद नहीं कर रखी, तुम्हें मिल जाए तो कर लेना और मुझे बता देना। स्कैंडियम यट्रियम और लेंथनम, ठीक है। फिर आता है टाइटेनियम जिरकोनियम होफनियम, ये भी ऐसे याद कर लो, टाइटेनियम जिरकोनियम होफनियम, जेड आर इज योर जिरकोनियम जिरकोनियम, एच एफ योर होफनियम, ठीक है। इसको आप याद करोगे, इस वाली सीरीज, इस वाले ग्रुप को याद करोगे वी नोबिता से, नोबिता देखते थे ना। यस मैम। बी नोबिता, एन बी क्या है नोबियम, और टी ए क्या है टेंटेटिव। इनके नाम याद, ध्यान से सुन लो, तुम्हें सिर्फ 21 से 30 के नाम याद होने चाहिए, बाकी के नाम याद भी नहीं है तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम मोलिबेल्डियम टंगस्टन, क्रोमियम मोलिबेल्डियम टंगस्टन। आगे कैसे करोगे इसको याद, कैसे करोगे, मांजा टीना चावला रे, मांजा टीना चावला रे, मतलब टीना चावला इज टीसी यानी कि टेक्टिनियम, रे यानी कि रेनियम। नीचे वाले याद आपको नहीं करने हैं। उसके बाद है आयरन रूट गया ओसम, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आयरन रूट गया, रूट गया ओसम, ओसम पता है ना उसका। देखो मैं स्पेलिंग चेंज कर लू यहाँ पे ताकि तुम्हें याद हो जाए, वैसे भी तुम मैसेज के उसमें ये शॉर्टकट ही मारते हो तुम लोग, ठीक है। आयरन रूट गया ओसम, रूट यानी रूटेनियम, ओसम मतलब ऑस्मियम, ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट रोडियम इरिडियम, मैं ऐसे ही याद किया हुआ है, आपको कोई ट्रिक मिले तो बता देना। निकल पैलेडियम प्लेटिनम, कॉपर सिल्वर गोल्ड, सबसे सस्ता कॉपर, उससे महंगा सिल्वर, उससे महंगा गोल्ड, ऐसे करके याद कर लो। जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी, ये ऐसे याद किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो मेरा बेटा, याद कर सकते। टाइम लगेगा याद करने में, कोई बात नहीं, आज का दिन ले लो, हो जाएगा याद। जिसने पहले कर रखी है शायद उनको बहुत इजी लग रहा होगा, बट जिन्होंने नहीं किया वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आज हो जाएगा तुम लोगों को, थोड़ा रिपीट दोहराओगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज मेरा बेटा ध्यान रखना कि जो तुम्हारा लेंथनम और एक्टिनियम है ना, वो ध्यान रखना डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ उनको पढ़ा जाता है, बट दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेरा बेटा, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो ना लेंथनम और एक्टिनियम डी ब्लॉक में ही तो आ रहे हैं ना, इधर देखो। हो गया सबका, लिख लिया इतना। चलो अब हम बात करते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि इसी डेफिनेशन से बहुत सारे सवाल बने हुए। मैंने तुम्हें बोला कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल देते हैं, बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं? सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल दो, ट्रांजिशन मेटल्स बोल दो, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है मेटल्स की तरह ही बिहेव करते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स आर डिफाइंड एज द मेटल्स विच हैव इनकम्प्लीट डी सब शेल either in neutral atom or in their ions. मैम स्क्रीन नहीं दिख रही, बेटा रिजॉइन करो। इन देयर आयंस लिख दो या इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले लिख लो। आई नो समझ में नहीं आया होगा क्या लिखा है ये, पहले लिख लो फिर मैं समझाती हूँ। काजल अभी दिख रही है? यस सर। यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट आप उन एलिमेंट्स को बोलोगे जिनके पास डी वाली सबशेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 से लेकर 9 के बीच में होंगे, हाँ या ना? यही तो मतलब होना है कंप्लीट। मैं यहाँ पे डी 10 वाला भी ले लूंगी फिर वो तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग थी बेटा? IUPAC के अकॉर्डिंग थी, इंटरनेशनल यूनियन अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। तो उसने ये डेफिनेशन दी थी कि भैया जिसमें डी वाली सबशेल में 1 से 9 के बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो न्यूट्रल वाले एटम की बात कर रहे हैं वो, या उसके वन ऑफ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में
तो हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। अब मुझे पता है आपको ना तो ये वर्ड समझ में आएगा और ये भी नहीं आएगा, एग्जाम्पल लेके समझाते। चलो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेती हूँ मेरा बेटा कॉपर का। आपको पता है कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी बताओ। 29। और मैं फिर बोल रही हूँ जिसको नहीं लिखने आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जिसको नहीं याद है एलिमेंट्स का, प्लीज याद कर लेना आज रात को, वरना पूरा चैप्टर ऐसे रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और 21 से 30 तक इनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए विद सिंबल विद इनके नेम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या लिखवाया था मैंने, 4s1 3d10। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो कॉपर हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो मैम ये तो फिर हुआ ही नहीं ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन मैं क्या कि ट्रांजिशन एलिमेंट है ये होती है इसकी न्यूट्रल स्टेट, या इसको बोलो ग्राउंड स्टेट, कोई चार्ज नहीं है ना बेटा, इसलिए इसको न्यूट्रल एटम बोला, और ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन होती है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना बेटा, या तो +1 में दिखेगा आपको या +2 में दिखेगा, उससे ज्यादा नहीं दिखेगा आपको। मैम हमें कैसे पता चलेगा, कोई बात नहीं धीरे धीरे पता चल जाएगा। कॉपर या तो +1 में मिलेगा तुम्हें या +2 में मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है, ठीक है जी। अब कॉपर +1 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, 4 में से निकालोगे, बिकॉज फोर्थ क्या है आपका, 4s क्या है तुम्हारा, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है बेटा। तभी मैंने लिखा था n-1d, क्योंकि ये ns है और ये n-1 है। तो इसका कॉपर प्लस की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 3d10। तो मैम ये भी नहीं हुआ फिर तो ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इसमें भी क्या है, इन्होंने बोला था कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर डी में 1 to 9 के बीच में हो तब भी आप बोल सकते हो ट्रांजिशन एलिमेंट है, पर मैम ये भी डी में 10 आ गए, कोई बात नहीं कॉपर +2 में चलते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे 4s में से, एक निकालोगे 3d में से। तो मैम यहाँ पे तो आ गया ना इनकम्प्लीट डी सबशेल। Yes, ma'am. तो अगर इसकी किसी भी कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है कोई एलिमेंट, अगर उसमें वो उसका इनकम्प्लीट है डी सबशेल, मतलब 1 से 9 इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो भी आप उसको क्या बोलोगे, वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो यानी कि कॉपर को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, यानी कि कॉपर क्या है मेरा बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्लियर है? Yes, sir. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, सिंक। सिंक का एटॉमिक नंबर बताओ सारे बच्चे। 30। तो ये हो जाएगा 4s2 3d10। और जिंक जो है, जिंक की एक ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन s से निकाल लो, 3d10। अब ज्यादा महान मत बनना कि तुम 3d में से इलेक्ट्रॉन निकालो, 4s वाला उसकी एनर्जी ज्यादा है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना कंपैरेटिवली आसान है, ठीक है। अब तुम देखो मैम, ना तो ये अपने ग्राउंड स्टेट में और ना ही ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, दोनों में क्या है, डी में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जिंक क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। मैम फिर इसको पढ़ क्यों रहे हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट तो है ना, बोलो। यस मैम, डी ब्लॉक एलिमेंट तो है ना, इसकी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट से सिमिलर है, इसलिए हम उसको उसके साथ पढ़ रहे हैं। तो यानी कि जो जिंक वाला रो है, जिंक कैडमियम मरकरी, तीनों के तीनों क्या नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है मेरा बेटा। चलो इतनी क्लियर हुई, किसी को यहाँ तक डाउट है, प्लीज रेज योर हैंड। नो मैम। अगर क्लियर है तो थम्स अप देते चलो। हम मतलब जिस ग्रुप का पहला एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं होगा वो पूरा ग्रुप ही नहीं होगा। फिर से बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके चलते हैं, देखना एक बार पढ़ना क्या लिखा हुआ है। जिंक कैडमियम, मैं इसको हाईलाइट करना पसंद करूंगी, जिंक कैडमियम मरकरी ऑफ ग्रुप 12 हैविंग D10 कॉन्फ़िगरेशन इन देयर ग्राउंड स्टेट
as well as they are in common oxidation state, hence are not regarded as transition elements. Clear? Yes, ma'am. लास्ट मेंबर है, कैडमियम 4D का लास्ट मेंबर है, 5D उसका क्या मर्करी 5D सीरीज का लास्ट मेंबर है, इसलिए इनकी केमिस्ट्री थोड़ी सी सिमिलर है, तो इसलिए इनको इनके साथ पढ़ लिया जाता है. तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था. ठीक है मेरा बेटा, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट, तुम बताना ये ट्रू है या फॉल्स है. ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स. महेश जी, काजल, दीपिका, ट्रू है मैम. अंकिता, हाँ बाकी सब बोल रहे हैं ट्रू मैम. ट्रू, ठीक बात है. जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, बट सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते. एग्जाम्पल जिंक, कैडमियम, मर्करी. जिंक, कैडमियम, मर्करी डी ब्लॉक तो है ही ना, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी वाले सब शेल में आ रहा है, बट दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्लियर हो गया? किसी को कुछ पूछना है तो पूछो इसमें से. अच्छा मुझे ये बताओ, स्कैंडियम है क्या ट्रांजिशन एलिमेंट? स्कैंडियम, महेश तुम बताओ. yes, महेश बताएगा, स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या? No. क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है तुमने जो बोल रहे हो? नो मैम. नो मैम. क्यों नहीं लिखी? लाइट नहीं है. क्या नहीं है? लाइट इशू. अनिरुद्ध आप बताओ. यस मैम. स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है? यस मैम. कैसे है? कैसे है? प्रखर, ट्रांजिशन एलिमेंट है स्कैंडियम? स्कैंडियम प्रखर गया? हाँ बताओ, स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है? यस मैम. क्यों? कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1 है इसलिए. वेरी गुड, कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d1, तो डी में एक से अगर नो के बीच में इलेक्ट्रॉन है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है. क्यों नहीं पढ़ते हो भाई तुम लोग बाकी के बच्चे? चलो क्वेश्चन 1 2 3 4 5, पांच नंबर का टेस्ट है, आ जाओ. अभी तक मैंने क्या ही पढ़ाया है? कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट की एक डेफिनेशन ही बताई है. ठीक है, और यहाँ से पांच क्वेश्चन बन गए. तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन तुम्हारा टेस्ट है ये. जिसका हो जाए हैंड रेस कर फटाफट से, 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगाने के तुमको, क्योंकि इस वाले टॉपिक से बहुत ज्यादा नीट में तो नहीं आते हैं क्वेश्चन, बट यस मुझे टेस्ट तो लेना ही था. 8 बच्चों ने हैंड रेस कर लिए हैं, बाकी बच्चे? वेरी गुड, 11 बच्चे क्लास में. वेरी गुड, शाबाश, 12 बच्चे, 13, अरे क्या बात है. संचिता आप बताओ. मैम बी. वेरी गुड, बी. संचिता की आवाज सुन के मेरे को बड़ा सुकून मिला आज. बी ऑप्शन इज करेक्ट. एक नंबर दो अपने आप को. चलो दे दिया? यस मैम. क्वेश्चन नंबर सेकंड करो. इनकरेक्ट बताना है.
ओम आई एम वेटिंग कि आपकी हैंड रेज करेंगे. पूरी क्लास हैंड रेज कर रही हो और तुम नहीं कर रहे हो, गलत बात है. रानी बता बेटा. मैम ऑप्शन ए गलत है. ऑप्शन ए बताओ ना रानी. ऑप्शन ए गलत है. क्यों गलत है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एन माइनस वन डी में नहीं जाता तो किसमें जाता है? यस मैम सही है ये. फिर तुमने क्यों बोला गलत है? मैम बी और वाइटल नहीं देखा था मैम. अक्षरा आप बताओ. मैम डी ऑप्शन. ऑप्शन डी. किस किसने ऑप्शन डी मार्क किया है? मैम. हाँ तमनप्रीत. मैम वो एन माइनस वन डी सबशेल में नहीं जाता. हाँ कोई बात नहीं, कई बार वो ऑर्बिटल भी लिख देते, टेंशन मत लो. ओके मैम. तो नन ऑफ दीज इसका क्या आएगा? आंसर आएगा सारी क्या है करेक्ट है. हो जाएगा? यस मैम. यस मैम. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन. अपने आप को दो नंबर दे देना. क्वेश्चन नंबर थ्री करो. ये क्वेश्चन आया था नीट 2004 में. टाइम लगेगा ना इसको निकालने में. यह हो जाएगा. वेरी गुड. क्या बात है. दस सेकेंड और. वेरी गुड. और बच्चे अपेक्षा आप बताइए. मैम ऑप्शन बी. ऑप्शन बी या डी? डी डी. अच्छा डी डी. नम्रता आप बताइए. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी कौन सा आ रहा है भाई तुम लोगों का? अच्छा ठीक है. ओके ऑप्शन डी. सबका डी आ रहा है. यस मैम. वेरी गुड. बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ही ठीक है. बहुत ही बढ़िया बेटा. शाबाश. ठीक है देखो क्रोमियम प्लस सिक्स का निकालोगे उसमें तो डी में एक भी नहीं बचेगा तो इसको वैसे ही हटा दो. देख के इसमें भी देखो टाइटेनियम थ्री प्लस में एक होता है. आपको धीरे धीरे ये याद हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये भी नहीं हो सकता. ओके इसमें आपको इसमें देखना पड़ेगा. तो टाइटेनियम टू प्लस में क्या होता है मेरा बेटा? टी टू ही होता है. वैनेडियम थ्री प्लस में भी क्या होता है? डी टू. एक बार मैं पूरा करके दिखा देती हूँ इसको. अरे कहाँ गया. हाँ देखो टाइटेनियम का क्या होता है? स्कैंडियम तेरी यानी कि 22. तो ये क्या होता है? 4s2 3d2. तो अगर दो इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे यहाँ से तो कितने बचेंगे? दो ही बचेंगे टी में. स्कैंडियम तेरी यानी कि 23 होता है यानी कि 4s2 3d3. तीन इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे? दो यहाँ से s से और एक d से निकालोगे यानी कि d2 होगा. ऐसे क्रोमियम का तुम कर लेना. ये होता है कॉन्फ़िगरेशन. चार मतलब एक यहाँ से और कितने बचे? तीन यहाँ से निकालने पड़ेंगे यानी कि. और ऐसे ही तुम मैग्नीज का भी निकाल लेना, वो भी क्या आ जाएगा? d2. तो अपने आपको एक नंबर और दे दो. अच्छा था ना क्वेश्चन. आगे चलो क्वेश्चन नंबर फोर करो. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है बेटा आपका. इसी तरीके से करते रहो. लग रहा है कि सुन रहे हो क्लास में.
मैम ये जो इनके आगे 3, 4, 5 लिखा है मैम इनका मतलब क्या है? इसका हाँ मैं बता देती हूँ, इनका मतलब है क्रोमियम +6 में है, टाइटेनियम +4 में है, मैग्नीज +7 में, ये मतलब है इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। देखते हैं 23 में से कितने बच्चे हैंड रेस करते हैं, बताओ भाई किसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब हैंड रेस करना है आपको पहले। क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश तमनप्रीत, मोनिका, जानवी, वेल डन बेटा। बाकी बच्चे 20 सेकेंड्स और दे रही हूँ। वेरी गुड अपूर्वा, शाबाश सित्रा रानी, गिरजा वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है। मोनिका आप बताओ। मैं ऑप्शन ए। वेरी गुड, ऑप्शन ए में क्या है, ठनठन गोपाल है वो, क्या है, ठनठन गोपाल, क्रोमियम +6 में, सारा तुमने निकाल दिया, चीर मारा क्रोमियम को D0, टाइटेनियम 4+ चीर मारा D0, मैग्नीज में से भी सारे इलेक्ट्रॉन निकाल फेंके D0, आंसर आ जाएगा ए। अपने आपको एक नंबर और दे दो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करो। अंकिता हो रहे हैं क्वेश्चन या नहीं हो रहे हैं? आपका हैंड रेज नहीं था मेरा बेटा, एक भी क्वेश्चन मैम हो रहे हैं पर लेट हो रहे हैं। अच्छा हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, कोई बात नहीं चलेगा। हाँ एक चीज और मैं ऐड कर दूँ इसमें, अगर किसी का लेट हो रहा है तो ये मत सोचना मैम मेरे से पहले इतने सारे बच्चों के हैंड रेज हो रहे हैं, कोई बात नहीं, कई बार किसी बच्चे को टाइम लग जाता है किसी का जल्दी हो जाता है, इट्स ओके। चलो इसका आंसर फिर मेरे को वही बताएगी, क्या नाम है, अंकिता, अंकिता ले लो टाइम। मैम सी। सी वेरी गुड, पैलेडियम, पैलेडियम 3D का नहीं है, कौन सी सीरीज का है, 4D सीरीज का है। अपने आपको 5 में से 5 तो जल्दी से बताओ, किसके 5 में से 5 आए, जल्दी से जल्दी बताओ। अच्छा सबके 5 में से 5, अच्छा जी रानी 5 में से 5 है। नो मैम मेरे 4 है। नीचे करना फिर बेटा हाथ जिसके 5 out of 5 है, वेरी गुड। दीक्षा, अपेक्षा, दीक्षा, दीक्षा, अपेक्षा, मोनिका, काजल, सिद्रा, नम्रता, जाति, वेरी गुड। जिसके कम है मतलब जिसका गलत हो गया था वो एक बार देख लेना बेटा क्या मिस्टेक करी थी, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं जनरल ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज, मतलब अब प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। लाइक हम याद है पी ब्लॉक में क्या पढ़ रहे थे, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब, इसमें भी यही पढ़ते हैं, इसमें भी सब यही पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की। देख सबसे पहले ना इस वर्ड को भूल जाओ कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है, तो मैं इसको ना एक बार हटा रही हूँ क्योंकि मैं अभी सिखा नहीं रही हूँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है, थोड़े दिनों में सिखाऊंगी। हालांकि तुम्हारी एनसीईआरटी में भी पहले 2 पेजों में ही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है, बट अपन बाद में करेंगे। पहले अपन ये सीखते हैं कि ये ग्राफ क्या दिखा रहा है और ये ग्राफ आया कैसे, ठीक है। पहले अपन ये समझते हैं, देखो बेटा जो ये ग्रीन वाला ये जो ग्रीन वाली लाइन आपको दिख रही है मेरा बेटा, ये 3D सीरीज की है, देख रहे हो, और जो ये ब्लू वाली है ये 4D सीरीज को दिखा रही है, और जो ये रेड वाली है वो 5D सीरीज की एटॉमिक रेडियाई को और आयनिक रेडियाई को दिखा रही है, ठीक है जी। चल यस मैम। अब आपको पता है बेटा, अगर मैं देखो
जो 3D की एक्सप्लेनेशन, अभी मैं आपको किसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, 3D की एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, ठीक है। देखो आपको पता 3D में स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक होता है, ठीक है जी। यस मैम। अक्षरा कह रही है स्क्रीन शो नहीं हो रही है। मैम अब हो गई। अच्छा पहले नहीं हो रही थी। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। हाँ तो मैं बोल रही हूँ, अब आपको कैसे देखना, लेफ्ट टू राइट नजर माननी है ना, क्योंकि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट। तो आप सबको पता है, क्या पता है कि मैम लेफ्ट टू राइट तो आपने हमें बताया था कि साइज डिक्रीज होता है। यस मैम। यस मैम। आपने बोला था मैम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि आपने बोला था कि जब लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, है ना। यस मैम। इसकी वजह से क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज छोटा हो जाएगा, है ना जी। तो आपको क्या दिख रहा है बेटा, अगर मैं स्कैंडियम से लेकर जिंक की बात करूं, तो अगर मैं बात करूं मेरा बेटा स्कैंडियम, स्कैंडियम में क्या है, D1 है, टाइटेनियम में D2 है, वैनेडियम में D3 है, तो आप देख रहे हो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, राइट। और सेम शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, और आपको ये भी पता है कि डी वाले जो शेल में इलेक्ट्रॉन, डी वाले सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही बेकार होता है। यस मैम। तो मतलब वो 4s वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाएंगे, यानी कि न्यूक्लियस का और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो यानी कि साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन ये साइज डिक्रीज कहाँ तक हो रहा है बेटा, इधर देखो, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक देख रहे हो, इधर देखो। अगर मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज बताऊं तो स्कैंडियम की तुम्हें याद नहीं करनी है, सिर्फ देखना है 164, इसकी 147, 135, 129, 137, नहीं इसमें कुछ लोचा है, इसमें थोड़ा और कम होगा, यहाँ पे 127 करो, ठीक है। तो आप देख रहे हो स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक साइज डिक्रीज हो रहा है, हाँ या ना। तो मैं मैग्नीज तक हो रहा है साइज तुम लोगों का डिक्रीज हो रहा है, रीजन क्या है, रीजन क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन मैम जब मैं आगे चल रही हूँ, आयरन, कोबाल्ट, निकल, है ना, कॉपर और जिंक, तो आयरन, कोबाल्ट, निकल के केस में तो देखो मैम ऑलमोस्ट सेम हो गई, ये क्या हो गया, है ना, ये क्या हो गया, नोटिस कर पा रहे हो, यानी कि डी ब्लॉक में भयंकर एक्सेप्शंस आने वाली है, तो मैं इससे पता चल गया होगा यहाँ पे कोई भी चीज सीधी तो नहीं होगी। तो अब मेरे को दिख रहा है बेटा आयरन, कोबाल्ट और निकल कि ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा बेटा आयरन में क्या होते हैं तुम्हारे, D6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें D7 है, D8 है, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं डी वाले में, यानी yes. अब डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट थोड़ी सी बेटर होगी पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऐड हो रहे हैं ना, तो थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर लेंगे भाई, कहेंगे हम इतने भी गए गुजरे नहीं है भाई, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम थे, शील्डिंग इफेक्ट भी बेकार था, तो साइज डिक्रीज हो रहा था। अब क्या हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो साइज तो डिक्रीज होगा, साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा वो शील्डिंग भी करेंगे, तो यहाँ पे शील्डिंग भी हो रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, तो दोनों इफेक्ट क्या हो जाएंगे आपस में, काउंटर बैलेंस हो जाएंगे, हाँ या ना, जिसकी वजह से जो साइज इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ है, और ऑलमोस्ट क्या हो गया मेरा बेटा, बराबर है, ऑलमोस्ट सेम है, क्लियर हुआ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाद देखो कॉपर के बाद देखो जिंक में एकदम से बढ़ गया, कब बता रही हूँ रिजा, मैं भी दोबारा भी रिपीट करूंगी, डोंट वरी। देखो कॉपर और जिंक का देखो बढ़ गया, अब मैम यहाँ क्या हुआ, कॉपर में देखो D9 और जिंक में क्या है D10,
यानी कि मैम जिंक में तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए। यस मैम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए। अब क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट वाला फैक्टर ज्यादा हो जाएगा इसके अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी, धक्का मुक्की होगी और आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो भैया क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब साइज बढ़ जाएगा। एक्सप्लेन कर रही हूँ दोबारा से, पहले लिख लो। इसमें शील्डिंग इफेक्ट वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, जिसकी वजह से देखो कॉपर की जो जिंक है उसकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस देखो 137 हो गई है। मैं फिर बोल रही हूँ, डेटा याद नहीं रखना, सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। इधर आओ, क्या बोला मैंने, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक एटॉमिक और आयनिक रेडियस घट रही है, वो सिंपल डिक्रीज हो रही है जो हम पहले लोअर क्लासेस में, बच्चों वाली क्लासेस में पढ़ के आते थे। क्यों? क्योंकि आप कहते थे मैम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, और डी वाले इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट भी बहुत घटी है। लेकिन जैसे आप आगे चलोगे तो डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं गिरजा, यानी कि अब थोड़ा शील्डिंग इफेक्ट बेटर होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो 4s वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा शील्ड कर पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, तो दोनों इफेक्ट क्या करेंगे, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे, यानी कि जेड इफेक्टिव हो तो अब क्या होगा, साइज ना तो ज्यादा डिक्रीज होगा बल्कि क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन जैसे आप निकल के बाद जाओगे तो देखो कॉपर में D9 और जिंक में D10 है, अब यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट और ज्यादा बेटर होगी, इतनी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाले फैक्टर को भी पिछाड़ देगा, तो उसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिसकी वजह से धक्का मुक्की होगी और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा जिंक का वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड मतलब समझ रहे हो, बढ़ जाएगा। अरे बच्चे दोनों फैक्टर, अरे गिरजा साइज इज ऑलमोस्ट सेम ना इन आयरन कोबाल्ट और निकल, बोथ फैक्टर डोमिनेंट ना, जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट ये लिखा तो हुआ मैंने, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट दोनों ही यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, तब जिसकी वजह से ही तो बराबर हुआ ना मेरा बेटा। पहले वाले पॉइंट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, सेकेंड वाले में दोनों काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, थर्ड वाले में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर, मतलब मैंने क्लियर किया, ठीक है, ओके गिरजा, ओके मेरा बेटा। तो आप लोग थोड़ा सा ग्राफ में नजर मारेंगे, ग्राफ में नजर मार रहे हैं, देखो इनकी ऑलमोस्ट बराबर है, फिर कॉपर फिर जिंक की बढ़ गई, सेम देखो यहाँ पे भी यही हो रहा है, 4D में भी यही हो रहा है और 5D में भी यही हो रहा है। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या, 4D और जो 5D सीरीज की एटॉमिक और आयनिक रेडियस है देखो बराबर बराबर है भाई, ऑलमोस्ट बराबर बराबर है 4D और 5D सीरीज, ठीक है। इसी का रीजन होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन, जो मैं आपको आने वाली क्लासेस में समझाऊंगी, पहले ये बताओ क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो एक बार हाथ खड़े कर लो, जल्दी से पढ़ लो, मैं पानी पी लेती हूँ। ओम नहीं हुआ है क्या क्लियर, ओम क्लियर नहीं हुआ है क्या, थैंक यू बेटा हैंड रेस करने के लिए, 3-4 बार बुलवाते हो भाई तुम लोग, ठीक है, ओके ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैंने क्या बोला, एक बार मैं फिर लिखवा देती हूँ, स्कैंडियम से मैग्नीज क्या होगा, डिक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर ज्यादा है शील्डिंग इफेक्ट से बेटा, ठीक है। आयरन कोबाल्ट निकल का ऑलमोस्ट सेम है, रीजन जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट दोनों ही क्या हो रहे हैं, यहाँ पे फैक्टर बराबर हो जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, मतलब जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है उतना ही शील्डिंग इफेक्ट भी हो रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है कि जिंक का क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मतलब कॉपर और जिंक का, यहाँ पे कोमा लगा देती हूँ, रीजन शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा बेटा, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं,
आगे आता है मेटलिक करेक्टर. देखो मेटलिक करेक्टर, मेटल का मतलब क्या होता है, मेटल की क्या टेंडेंसी होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी होती है. यस मैम. तो अगर मैं बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो किसका मेटलिक करेक्टर ज्यादा होता है, ऑब्वियस ही बात है एस ब्लॉक का. एस ब्लॉक का. तो यहाँ पे एक लाइन लिखिए कि जो मेटलिक करेक्टर होता है ना, मेटलिक करेक्टर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट टू राइट मेटलिक करेक्टर घटता है, क्योंकि आपको ये भी पता है पहले एस ब्लॉक आता है फिर डी ब्लॉक आता है, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटलिक करेक्टर डिक्रीज होगा. तो यही तो मैं लिख रही हूँ कि स्मॉलर, यहाँ पे लिखो स्मॉलर. मेटलिक करेक्टर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज लोअर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स. रीजन आप बता ही सकते हो, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या होता है मेरा बेटा, साइज छोटा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना क्या होगा मेरे बेटा, मुश्किल होगा, हाई आयनाइजेशन एनर्जी. यस मैम. और आप ये भी बोल सकते हो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है. अब यहाँ पे बात आती है मेटलिक बॉन्डिंग कौन अच्छा करेगा. मेटलिक बॉन्डिंग क्या होती है बेटा, मेटल मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है. याद करो तुम्हें मैंने बताया था, अगर तुमने लैब में कभी सोडियम देखा हो तो सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है, उसको नाइफ से काटो एकदम मस्त मजे से कट जाता है. इनको काट के दिखाओ डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, मजा आ हो जाए. बहुत हार्ड होते हैं भाई, बहुत हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा. ठीक है. और इनकी प्रॉपर्टी क्योंकि मेटल जैसी होती है, तो जो मेटल की प्रॉपर्टीज होती है क्या होती है, लोअर क्लासेस में पढ़ते थे ना तुम, मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है, लश्चर होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ये भी करते हैं, तभी तो इनको ये ट्रांजिशन मेटल्स, मेटल वाली प्रॉपर्टीज होती है इनकी. तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो मेटलिक बॉन्डिंग होती है ना, कि मेटल मेटल के बीच में बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, जो मेटलिक बॉन्डिंग है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो किस पे डिपेंड करेगी मेरा बेटा, वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. मतलब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे भाई उतनी बॉन्डिंग अच्छी होगी, क्योंकि तुम्हें पता है बॉन्ड कब, अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है दूसरे के साथ जोड़ी बनाएगा तभी तो बॉन्ड बनेगा ना. हाँ ये ना. यस मैम. याद करो वो जमाना, सोडियम में आपको पता है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है मेरा बेटा, तभी तो सोडियम में मेटलिक मेटलिक बॉन्डिंग बहुत ही घटिया होती है, तभी तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, आराम से कट जाता है भाई. लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर अभी मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिखाई, जैसे देखो क्रोमियम में, देखो क्रोमियम में क्या होता है, D5 4s1 3d5 होती है. थोड़ा सा अच्छे से लिख देते. और अरे ये क्या हो गया, अंडू कैसे होता है भाई बताओ जरा. कंट्रोल प्लस जेड. नहीं हो रहा मैम, हमारे पीसी में तो ऐसे ही होता है. मेरे में क्यों नहीं हो रहा फिर. नहीं हो तो जाता, पता नहीं इसमें क्यों नहीं हो रहा. अरे बाबा तुमने लिख लिया था ना. यस मैम. यस मैम. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेटलिक बॉन्डिंग, बस एक लाइन लिख रही हूँ, मेटलिक बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मेटलिक बॉन्डिंग किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की. डी ब्लॉक एलिमेंट डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड कर रहा था तमनप्रीत, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो तुम आज चुप चुप क्यों, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, यानी कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी अच्छी मेटलिक बॉन्डिंग होगी मेटल मेटल के बीच में. क्रोमियम में देखो कितनी होती है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s1 3d5 कितने होते हैं देखो, 4s में एक होता है और 3d में कितने होते हैं, फाइव. कितने हो गए,
ठीक है, तो इसमें मेटलिक बॉन्डिंग क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, देख पा रहे हो। अब हो सकता है आप लोग मुझे ये बोले कि मैम आपने तो बोला था वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, आप तो 3D वाले को भी घुसा दे रहे हो। रीजन क्या होता है बेटा, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है, ठीक है, तो 3D के भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ओके, लिख लिया इतना, आगे चलो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का ग्राफ है, मैं एक भी एनसीईआरटी की लाइन नहीं छिड़वाऊंगी, डोंट वरी, और ना ही एक भी एनसीईआरटी का ग्राफ, क्योंकि इन्हीं ग्राफ से ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ जानवी बेटा। मैम डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो जनरली मेटल्स ना होते हैं, हाँ, तो उन लोग का मेटेलिक कैरेक्टर कम क्यों है, किससे कम है, ये देखो ना, एस ब्लॉक से कम है, क्योंकि मेरा बेटा एस ब्लॉक में क्या होता है, एस ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होता है उनका साइज क्या होता है मेरा बेटा, ज्यादा होता है डी ब्लॉक एलिमेंट से। इधर आओ, कहाँ गया, एक सेकंड रुको बेटा, ये देखो जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो साइज डिक्रीज होता है ना, यस मैम, तो जब साइज डिक्रीज होगा मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, उसमें साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन निकाल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जितनी आसानी से तुम मेरा बेटा सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, उतनी आसानी से तुम स्कैंडियम से नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, इसलिए उनकी देने की टेंडेंसी कम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एस ब्लॉक के कंपैरिजन में। क्लियर है? यस मैम। चलो आगे आते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, लिखो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। मानते हो कि नहीं मानते, क्यों, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा मेटलिक बॉन्डिंग होगी, और जितनी ज्यादा मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी उतना ही ज्यादा तुम्हें टेम्परेचर देना पड़ेगा मेल्ट और बॉइल करने के। यस मैम। तो यहाँ पे तुम मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ज्यादा ही होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में ज्यादा है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो एक बार जल्दी से इस ग्राफ को देखो, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे तुम्हें क्या दिख रहा है, क्रोमियम मोलिब्डेनियम दिख रहा है, तो सबसे पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है भैया टंगस्टन का। अगर वो पूछे 3D में किसका ज्यादा है तो बोलोगे क्रोमियम का, अगर बोलोगे 4D में किसका ज्यादा है मोलिब्डेनियम का, अगर वो बोले 5D में किसका ज्यादा है तुम बोलोगे टंगस्टन का, अगर वो पूछे पूरे डी ब्लॉक में किसका है टंगस्टन का। लेकिन मैम ये क्या है, एक बार देखना ये क्या हो गया, इधर देखो नजर मारो, मैग्नीज टेक्टेनियम और ये रेनियम, ये तो नीचे आ गए, तो इनका डिप जा रहा है। मैग्नीज में तो मैम 3D5 4S2 है, तो इसमें तो भैया 7 होने चाहिए थे, लेकिन ये तो बहुत नीचे चला गया, ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आ रही है? ये एनसीईआरटी ने नहीं बताया होगा, एनसीईआरटी ने लिख दिया एक्सेप्ट मैग्नीज टेक्टेनियम और रेनियम, आप करेंगे, क्योंकि बेटा ये क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फिग्रेशन। 3D5 क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फिग्रेशन, ऐसी टेक्टेनियम भी क्या है 4D5 है, और रेनियम क्या है 5D5 है, तो ये क्या होते हैं हाफ फील्ड होते हैं, स्टेबल है, तो इतनी ज्यादा मेटलिक बॉन्डिंग करना नहीं चाहेंगे, इसीलिए इनका जो देखो ग्राफ में क्या दिख रहा है, टिप दिख रहा है, देख रहे हो मेरा बेटा, टिप दिख रहा है। यस मैम। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अच्छा, yes, देखो सबसे कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखो किसका है, ये देखो जिंक का सबसे कम है, देखो तुम्हें ग्राफ में दिख भी नहीं रहा होगा, जिंक पीछे छुपा हुआ है वो, जो जिंक के मरकरी है, जो जिंक कैडमियम मरकरी है, उनका सबसे कम होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, D10 होता है ना, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो जब अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो बॉन्डिंग क्या करेंगे, ना के बराबर, बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, चलो लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट
जिंक, कैडमियम, मर्करी. क्यों हार्ड है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. क्लियर है ये वाली लाइन? मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? टंगस्टन का. टंगस्टन. 3D सीरीज में किसका मैक्सिमम एंड मैक्सिमम होगा? क्रोमियम. वेरी गुड. और लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा मेरा बेटा? जिंक, कैडमियम. जिंक, कैडमियम. ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. सॉफ्ट. यस मैम. और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? मैग्नीज, टेक्टेनियम और रीनियम. ग्राफ में डिप दिखाई दे रहा है. रीजन? ड्यू टू हाफ फील्ड. देख लो कितने अच्छे से तुम जवाब दे रहे. चैप्टर है ही नहीं मुश्किल बेटा, मैं बता रही हूँ. क्या ये पॉइंट्स लिख लिए? आपको भी अपने नोट्स में ऐसे ही पॉइंट्स लिखने हैं. इसी को ही बोलते हैं शॉर्ट नोट्स. पढ़ लिया, दो पेज पढ़ ली, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके इस तरीके से लिखना चाहिए. हो जाएगा? यस मैम. चलो इसके बाद है नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मैम ये क्या होता है? हेडिंग डालो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. क्या होता है एटोमाइजेशन? नाम से ही पता चल रहा है, एंथैल्पी मतलब हीट. तो वो क्या बोल रहे हैं? अभी अपने क्या देखा? मेटल मेटल बॉन्डिंग. ठीक है, मेटल का लैटिस मेटलिक लैटिस होगा ना, मेटलिक लैटिस होगा. अब हम लैटिस क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. हां वेरी गुड, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. क्या बात है. तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी तुम्हें उसको तोड़ने के लिए, ताकि उसको आप कन्वर्ट कर सको मेटल एटम को किसमें? गैसियस एटम में. वही क्या होती है मेरा बेटा? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. यानी कि सॉलिड से गैस में. पहले तो वो लैटिस को तोड़ो. ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स इन मेटल लैटिस एंड कन्वर्ट मेटल एटम इनटू गैसियस एटम, उसी को ही क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. एक बार बताओ कौन से वाले मेटल लैटिस को तोड़ने के लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा? कौन कौन से होंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे? उसी में ही मेटल मेटल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, उसमें ही हाईएस्ट. तो बस सिंपल है, सिंपल है. यही सेम ग्राफ होगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का. जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी ज्यादा होता है. जिंक की बहुत कम है क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है. तो जिंक, कैडमियम, मर्करी क्या होते हैं मेरा बेटा? सॉफ्ट होते हैं. क्लियर है ये वाली बात? यस मैम. टेस्ट लूंगी तुम लोगों का, ये देखो टेस्ट है. ठीक है, चलो ये देखो इस तरीके से ग्राफ है. ये देखो दिख रहा है एटॉमिक नंबर वर्सेस एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर. ये ग्रीन वाला दिखा रहा है 3D सीरीज को, ये दिखा रहा है 4D सीरीज को, ये दिखा रहा है 5D सीरीज को. ये देखो वैसे ही तो ग्राफ है ये वाला. ये देखो ठीक है, एक लाइन लिखोगे, लाइन लिखो 4D एंड 5D सीरीज हैज मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग. क्या बोल गया ये? मैं बहुत बड़ी बात बोल गई बेटा यहाँ पे. अगर तुम देख पा रहे हो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 5D सीरीज और 4D सीरीज के लिए ज्यादा है 3D से, मतलब ज्यादा ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा मेटल मेटल बॉन्डिंग कर रहे हैं 4D 5D. ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि बेटा जो 4D और 5D होते हैं उनका एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है, ज्यादा डिफ्यूज होते हैं वो एनवायरनमेंट की तरफ, और उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, लूजली बाउंडेड होगा. मतलब कहने का क्या मतलब है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इतना ज्यादा नहीं होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे. साइज बड़ा है ना, नीचे जा रहे हो साइज बढ़ रहा है ना मेरा बेटा. 3D का ये है, 4D का ये है, 4D का ये है. तो जो न्यूक्लियस की पकड़ है इलेक्ट्रॉन पे वो ढीली हो रही है.
अगर न्यूक्लियस की पकड़ इलेक्ट्रॉन पे ढीली हो रही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, तो वो इलेक्ट्रॉन आराम से पार्टिसिपेट कर सकता है. अगर कर सकता है तो मेटल मेटल बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी. एनसीईआरटी ने कहीं नहीं लिखा होगा, तुम अपनी लैंग्वेज में इसको लिखोगे. ठीक है, चलो मैं लिखवा ही देती हूँ. 4D एंड 5D एलिमेंट्स आर मोर डिफ्यूज्ड. सेकेंड पॉइंट लिख लो, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड. तीसरा लिख लो, इजली पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग. बस खत्म. मैम. यस बेटा. मैम 4D सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? 4D में पूछ रही हो? मॉलिब्डेनम का मेरा बेटा, ये देख. ओके लिख लिया है तो गिव मी थम्स अप. दो क्वेश्चन देके तुम्हें छोड़ती हूँ, देखो पता भी नहीं चला एक्चुअली ना ये चैप्टर. हालांकि अगर तुम एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो मैंने सिर्फ आज दो ही पेज पढ़ाए हैं, दो भी शायद पूरे नहीं पढ़ाए, क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा है बेटा इसमें. एनसीईआरटी बहुत कम लिखती है बेटा इस चैप्टर में, लेकिन क्वेश्चन उस एक एक लाइन से उठा के एनटीए बनाता है. समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए अपने को टाइम लग रहा है इसमें, नहीं तो ये 4 दिन का चैप्टर भी नहीं है बेटा. ये खत्म है शुरू होते, मतलब इतना छोटा चैप्टर है. तो जब पूरा चैप्टर हो जाएगा ना, उसके बाद तुम रिवाइज करोगे, शायद 2 घंटे से कम में तुम पूरा चैप्टर पढ़ दोगे. ठीक है, ये 2 क्वेश्चन करो, पहले ये करो. नीट में आया था ये. मैं चाहती हूँ पूरी क्लास का हैंड रेस होना चाहिए, 20 के 20 बच्चों का. वेरी गुड अक्षरा, सिद्रा, दीक्षा, अंकिता, अपूर्वा, मोनिका, तमनप्रीत. बाकी बच्चे करो. हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बताना मेरा बेटा. ओम, रेज योर हैंड. महेश, अनिरुद्ध, चांदनी, रानी, संचिता. दीक्षा आप बताओ बेटा. मैम ऑप्शन 2. वेरी गुड. क्रोमियम कुछ था इसमें, अभी तो चिल्ला चिल्ला के पूछा, बोला आपको. ये वाला क्वेश्चन करो. बोलो रानी. इसलिए मेरा मैम हैंड तो रेज हो जा रहा, फिर डाउन नहीं हो रहा, फिर डाउन हो जा रहा, फिर रेज नहीं हो रहा है. कोई बात नहीं, कोई बात. जानवी आप बताओ. ऑप्शन 2. वेरी गुड. जिंक का क्या होता है? एक तो उसमें डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं और इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते मेटलिक बॉन्ड. ठीक है. ओके, अब देखो समराइज करते हैं. मैंने घर के लिए कितने क्वेश्चन दिए? 2, 3, 3 और 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन दिए. हो जाएंगे? Yes, ma'am. ऑक्सीडेशन स्टेट ये सब रहती है, प्रॉपर्टीज में ही 2 दिन लग जाएंगे अपने. ठीक है, चलो अब जल्दी से वो कर लेते हैं, हम समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा है. जल्दी से कौन बताने वाला है? अक्षरा आप बताओगी. मैम सबसे पहले हमने डी एंड एफ में से डी ब्लॉक को देखा, उसकी पोजीशन देखी पीरियोडिक टेबल में, उसके बाद उसका सभी एलिमेंट्स के नेम देखे, उसके बाद ट्रिक देखी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखी, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जंप किया. फिजिकल प्रॉपर्टीज पे नहीं, उन पे आने जनरल प्रॉपर्टीज, जो जनरल ट्रेंड्स होता है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होगा,
अभी ऑक्सीडेशन स्टेट तो आएगा है ना, और ट्रांजिशन एलिमेंट की मेन अपन ने डेफिनेशन देखी। अनिरुद्ध क्या होती थी ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन बता बेटा, व्हाई डी मतलब डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मैम मेटल्स व्हिच हैव इनकंप्लीट डी सबशेल आइदर न्यूट्रल एटम और इन देयर आयन। वो वाले डी जिसमें एक से नौ के बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है, वो आपके क्या होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे, या तो उनके ग्राउंड स्टेट में या उनके कॉमन किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो इजीली? यस मैम। ठीक है और क्या बता सकते हो मुझे बताओ आज, और क्या क्या बता दिया ये बता दो कि किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। Yes, है ना ज्यादा है ना, और 3D में क्रोमियम का सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करता है बेटा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट? और एंथैल्पी। ओके अच्छा, सॉफ्ट वाले एलिमेंट्स कौन से हैं? जिंक वेरी गुड, जिंक कैडमियम मर्करी वेरी गुड गिरजा, जिंक कैडमियम मर्करी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट एंड जिंक कैडमियम मर्करी सॉफ्ट होते हैं क्योंकि डी सबशेल कंप्लीट होती है। चलो ठीक है इतना कर लोगे, आज तो ज्यादा कुछ कराया भी नहीं मैंने, तो आप अपना केमिकल काइनेटिक्स और किसका टेस्ट है सैटरडे को तुम लोगों का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट है ना, इसको कितना टाइम लगेगा तुम्हें? 20-30 मिनट्स लगेंगे रिवाइज करने में प्लस क्वेश्चन करने में, अपना आप बाकी का रिवाइज कर लेना मेरा बेटा ठीक है। यस मैम। हाँ ग्राफ भी किए